इसमें एक चीज और जान लीजिए कि अगर ये पूछता है कि जो कैपोट सस्टेनियम होता है ये किस स्टेज में होने वाली प्रॉब्लम होती है या किस स्टेज में हमको दिखता है, तो ये हमको सेकेंड स्टेज में दिखेगा, क्योंकि बच्चे की डिलीवरी कब होती है, सेकेंड स्टेज में होती है। फर्स्ट स्टेज में तो सर्विस का डायलिटेशन होता है, और सेकेंड स्टेज में क्या होता है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में बच्चे की डिलीवरी होती है, तो उसी दौरान ये हमको देखने को मिलता है। तो ये सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में हमको देखने को मिल जाता है। थर्ड स्टेज में प्लासेंटा की डिलीवरी होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजना, और आज हम लोग बात करने वाले हैं कैपोट सस्टेनियम के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि कैपोट सस्टेनियम क्या होता है, किस वजह से होता है, और ये कितने दिन में ठीक हो जाता है। इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कैपोट सस्टेनियम की, तो कैपोट सस्टेनियम क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल नवजात शिशु है, मतलब कि तुरंत ये इस दुनिया में आया है, अभी अभी किसी भी फीमेल की मान लीजिए डिलीवरी हुई है, तो उस दौरान जो बच्चा होता है उसकी यहाँ पे फोटो लगा रखी है मैंने। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बच्चे का जो सर होता है उसमें आपको एक हल्की सी स्वेलिंग दिख रही होगी, अभी ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। जैसे इस वाले भाग में अगर हम देखें तो बच्चे का जो स्कैल्प वाला एरिया है वहाँ पे एक सूजन हमको दिख रही है, तो इसी को हम कहते हैं कैपोट सस्टेनियम। अगर हम इसको एक लाइन में लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कैपोट सस्टेनियम इज अ टाइप ऑफ बर्थ इंजरी। मतलब जो कैपोट सस्टेनियम है ये क्या है, ये एक तरह का बर्थ इंजरी का टाइप होता है, मतलब कि जन्म के दौरान अगर जो बच्चा है उसको किसी भी तरह की कोई चोट लग जाए, जैसे क्या है कि अगर ये बर्थ कैनाल है, यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे ये क्या है, ये बर्थ कैनाल है, अब इसके थ्रू बच्चा बाहर आ रहा है, ये कोई भी फीमेल है और उसकी अगर डिलीवरी हो रही है, अब ये बच्चा है, बच्चे का सर बाहर आ रहा है, तो उस दौरान क्या होता है कि ये जो रास्ता होता है बहुत ही सकरा होता है और उसी में से बच्चे को बाहर आना रहता है। तो बच्चे के पूरे पार्ट में हेड टू टो अगर हम देखें, सर से लेके पाँव तक, तो जो सर वाला एरिया होता है वो सबसे बड़ा होता है, और अगर सिफेलिक प्रेजेंटेशन है तो सबसे पहले बच्चे का सर ही बाहर आता है। तो उस दौरान एक प्रोसेस होता है जिसको हम मोल्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं मोल्डिंग। मोल्डिंग में होता क्या है कि जो बच्चे की यहाँ क्रैनियल बोन होती है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है, मतलब चढ़ जाती है, यहाँ पे जो क्रैनियल बोन होती है सर की, ये क्या करती है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है, चढ़ जाती है, जिसको हम मोल्डिंग बोलते हैं, और इस वजह से बच्चे के सर का जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है। अब ये अगर क्रैनियल बोन है और एक दूसरे पे ये ओवरलैप कर रही है, तो फिर ये एरिया क्या है, डायमीटर क्या है, कम हो गया, अब बच्चा आसानी से बाहर आ जाता है। लेकिन उस दौरान ही अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो गई, कोई इंजरी हो गई, जैसे कि अगर बच्चे का हेड बाहर नहीं आ रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, या फिर प्रीरक्चर मेम्ब्रेन हो गई, मतलब कि समय से पहले ही जो पानी की थैली है वो फट गई, तो अब उसकी वजह से भी, तो ऐसे ही कुछ दिक्कतें होती हैं जो जन्म के दौरान बच्चे में देखने को मिल जाती हैं, मतलब कि जो बर्थ कैनाल का रास्ता होता है जब बच्चा डिलीवर होने की अवस्था में रहता है, तो उस दौरान कुछ ऐसे चोटें होती हैं जो बच्चे को लग जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बर्थ इंजरी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बर्थ इंजरी। बर्थ इंजरी, तो जो बर्थ इंजरी होती हैं उन्हीं, बहुत सारी होती हैं, तो उन्हीं में से एक टाइप होता है जिसको हम कैपोट सस्टेनियम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यही चीज कह रहा है, कैपोट सस्टेनियम या टाइप ऑफ बर्थ इंजरी। इसके अलावा क्या बोल रहा है, इन्वॉल्विंग स्वेलिंग ऑफ द स्कैल्प। इसमें क्या इन्वॉल्व रहता है, स्वेलिंग ऑफ द स्कैल्प, स्कैल्प वाला जो एरिया होगा उसमें हमको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, यही इसका पहचानने का एक तरीका होता है कि बच्चे के सर में हमको सूजन देखने को मिलेगी। फिर क्या कह रहा है, द स्वेलिंग ऑफ एन अकर व्हेन सर्कुटेनियस फ्लूइड फाउंड बिलो द स्कैल्प बिल्ड अप बिफोर और ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ यूजुअली ड्यू टू प्रेशर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हमने फिगर में देखा था, यहाँ पे क्या था कि जब बच्चे की डिलीवरी हो रही थी, बच्चा बर्थ कैनाल से बाहर आ रहा था, तो उस दौरान किसी भी तरह के प्रेशर की वजह से, किसी भी तरह के दबाव की वजह से कैपोट सस्टेनियम वाली सिचुएशन हो जाती है, जो सर्कुटेनियस फ्लूड होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे बिल्डअप हो जाता है, मतलब एक तरह से भरने लगता है, इकट्ठा होने लगता है और स्वेलिंग के रूप में हमको दिखता है। तो प्रेशर क्यों पड़ रहा है, यहाँ की जो बोन होती है प्यूबिक बोन होती है, दोनों तरफ होती है फीमेल में, तो जब बच्चा बर्थ कैनाल से बाहर आ रहा है, प्यूबिक बोन है, तो वो तो फैलेगी नहीं, उनमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, वो स्थिर होता
होती हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि एक दबाव पड़ता है दोनों तरफ की जो बोन्स होती हैं, प्यूबिक बोन होती हैं, उनके द्वारा बच्चे के सर पे दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, और इस वजह से बच्चे में आप जो कैपोड सस्टेनियम है वो समस्या हमको देखने को मिल जाती है। तो ये जो बच्चे में कैपोड सस्टेनियम होता है, अगर हम इसको देखना चाहें तो कैसे पहचान पाएंगे, जैसे यहाँ पे देख रहा है, अब जब बच्चा डिलीवर होता है तो हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, पूरा हेड टू टो उसके वाइटल्स भी हम लेते हैं, बच्चे का जो टेम्परेचर है बॉडी का वो कितना है, उसका वाइटल्स में उसका टेम्परेचर हो गया, उसकी पल्स रेट हो गई, हार्ट बीट हो गई, सारा चीज हम उसका देखते हैं। इसके अलावा ब्लड टेस्ट भी होते हैं, क्योंकि हो सकता है गर्भावस्था के दौरान जो फीमेल होती है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो दूसरा हो। अब ब्लड ग्रुप जैसे आरएच नेगेटिव की अगर हम बात करें, अगर आरएच नेगेटिव है तो फिर वहाँ पे हमको बच्चे का ब्लड ग्रुप भी देखना रहता है। तो मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जो डिलीवरी होने के बाद बच्चे में हमको देखनी रहती है। तो यहाँ पे हम जब फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो बच्चे का सर भी देखते हैं, बच्चे का सर, बच्चे की आंखें, उसका फेस, उसका स्किन, उसके हाथ पैर सब हमको देखने रहते हैं। तो यहाँ पे जब हम सर का भाग देखते हैं तो देखने से ही पता चल जाता है कि ये एरिया क्या है, इसमें स्वेलिंग है, ये एरिया थोड़ा सा लंबा है, बढ़ा हुआ है, जैसे कि इसमें दिख रहा है। तो जब इसको हम अपनी फिंगर से दबाते हैं, जैसे अगर किसी भी व्यक्ति को पैरों में सूजन है, तो जब पैर में सूजन रहती है तो नॉर्मली हम उसको ऐसे प्रेस करके देखते हैं, जब दबाते हैं तो अगर सूजन है तो वहां पे गड्ढा जैसा बन जाता है और फिर वो थोड़ी देर में गड्ढा भर जाता है, लेकिन उसको भरने में टाइम लगता है। तो इसी तरह से अगर सर वाले भाग में क्या है, सूजन है, तो जब हम हाथ से यहाँ पे किसी भी एक फिंगर से यहाँ पे दबाएंगे इस एरिया को तो वहां पे क्या होगा, पिटिंग एडिमा देखने को मिलेगा, मतलब एक गड्ढा जैसा वहां पे बन जाएगा, फिर धीरे धीरे वो गड्ढा भर जाता है। तो इसका मतलब कि वहां पे क्या है, बच्चे के हेड में हमको कैपोड सस्टेनियम वाली स्थिति देखने को मिल जाती है। तो ये क्या है, ये एक टेम्पररी समस्या होती है, ये एक टेम्पररी प्रॉब्लम होती है। टेम्पररी क्यों हो रही है, क्योंकि ये ठीक हो जाती है, इसमें किसी भी तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, ये अपने आप ठीक हो जाती है। कितने दिन में ठीक होती है, तो आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद, आफ्टर बर्थ 36 आवर, मतलब कि 36 घंटे के अंदर जो ये कैपोड सस्टेनियम वाली कंडीशन हमको दिखती है ये अपने आप ठीक हो जाती है। बच्चे का जो सर होता है वो सामान्य अवस्था में आ जाता है कितने देर में, 36 घंटे में, जन्म के बाद। तो ये क्या है, ये नॉर्मल है, इसमें किसी भी तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पे एक और मेडिकल कंडीशन होती है, एक और बर्थ इंजरी होती है जिसमें ट्रीटमेंट की जरूरत भी पड़ सकती है, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो ये क्या है, ये कैपोड सस्टेनियम वाला पार्ट है, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये बच्चे का हेड है, ये बच्चे का हेड है, और ये क्या है, ये एडिमा है, बच्चे के सर में जो कैपोड सस्टेनियम पड़ रहे थे उसका हमको साइन दिख रहा है। तो ये किस वजह से होता है, ये फ्लूड अकुमुलेशन की वजह से हो रहा है, फूड अकुमुलेशन की वजह से हो रहा है, और फूड अकुमुलेशन किस वजह से हो रहा है, प्रेशर की वजह से हो रहा है, और प्रेशर कहाँ से पड़ रहा है, जो पेल्विक बोन होती हैं उनके द्वारा पड़ रहा है, और इस वजह से बच्चे में ये दिक्कत होती है। अब ये जो फ्लूड अकुमुलेशन होता है, मतलब जो वहाँ पे फ्लूड भरा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं सेरो संग्यूनियस फ्लूड, सेरो संग्यूनियस फ्लूड इसको हम बोलते हैं। जब कौन सी स्थिति होती, जब कैपोड सस्टेनियम होता है, क्या होता है, कैपोड सस्टेनियम होता है तो उस दौरान। अब यहाँ पे अगर हम देखें थोड़ा सा डीपली, अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, ये बच्चे का अंदर ब्रेन, ये ब्रेन वाला एरिया हो गया, यहाँ पे क्या होती है कि लेयर्स होती है ब्रेन की, कुछ लेयर्स होती है, ये बोनी वाला पार्ट हो गया, ये बोनी पार्ट हो गया, बोनी पार्ट के अंदर ही क्या होता है, ब्रेन प्रेजेंट रहता है, और बोनी पार्ट के जस्ट ऊपर क्या होता है, पेरिटोनियम होता है, क्या होता है, पेरिटोनियम होता है, पेरिटोनियम स्पेस इसको भी बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है स्विच, यहाँ पे क्या है, स्विच है। तो यहाँ पे जो फ्लूड रहता है वही फ्लूड क्या होता है, प्रेशर की वजह से इस एरिया में भरना शुरू हो जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, कैपोड सस्टेनियम बोलते हैं। यहाँ पे एक और फिगर आपको दिख रहा होगा, तो इसमें भी बच्चे के सर में हमको क्या दिखता है, एक उभार दिखता है, एक सूजन जैसा हमको दिखता है अगर हम देखें, लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। यहाँ पे जब कैपोड सस्टेनियम की अवस्था होती है तो उस दौरान क्या होता है कि इसमें फ्लूड अकुमुलेशन होता है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें सीरम होता है, सीरम क्या होता है, ब्लड का ही एक भाग होता है जो हल्का येलो कलर का होता है, वो होता है, और प्लस जो ये फ्लूड है ये होता है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ब्लड होता है, ब्लड का जमा हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिफेलो हिमेटोमा,
सिफेलोहीमोटोमा। तो जैसे कि यहाँ सिफेलो रिलेटेड टू सिफेलस और हीमोटोमा मतलब कि कहीं पे भी जब ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम हीमोटोमा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे सिफेलोहीमोटोमा में क्या होता है कि बच्चे का जो सर होता है उसमें ब्लड का अकुमुलेशन हो जाता है एक किसी जगह पे, और ये भी प्रेशर की वजह से ही होता है। बर्थ कैनाल में किसी भी तरह की समस्या की वजह से हो जाता है, जैसे कि प्रेशर की वजह से हो जाता है, या फिर अगर हम डिलीवरी के दौरान फोर्सेप्स जैसे इंस्ट्रूमेंट होता है फोर्सेप्स डिलीवरी करवाते हैं, उस दौरान जो बच्चे का स्कैल्प होता है जब फोर्सेप्स डिलीवरी करवाई जाती है तो उस दौरान क्या होता है कि बच्चे के सर को बाहर निकालने के लिए हम उस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं जिसमें क्या होता है दो ब्लेड्स होते हैं। तो हम इस तरह से उसको लगाते हैं और उसके बाद बच्चे को बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो जब फोर्सेप्स डिलीवरी करवाते हैं तो उस दौरान ऐसे सिचुएशन होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। एक तो बच्चे में कैपुर ससरेनियम देखने को मिल सकता है या फिर हीमाटोमा वाली कंडीशन देखने को मिल जाती है जो बर्थ इंजरी का ही एक टाइप होती है। लेकिन उसमें क्या होता है कि बच्चे के सर का पेरिटोनियम स्पेस होता है, बच्चे के सर का जो पेरिटोनियम स्पेस होता है उसमें क्या हो जाता है ब्लड अकोमुलेशन हो जाता है जिसको हम सिफेलोहीमोटोमा कहते हैं। और ये जल्दी ठीक नहीं होता है, इसमें थोड़ा समय लगता है, कभी कभी तो ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ती है। तो कैपुर ससरेनियम होता है ये दो तरह से होता है, मतलब कि ये एक तरफ भी हो सकता है या फिर दोनों तरफ हो सकता है। जैसे कि अगर हम सर देखते हैं, अगर हम बच्चे का हेड देखते हैं तो बच्चे का नॉर्मली जो हेड होता है इस तरह से होता है, इस तरह से हो रहा है। तो अब इसमें क्या होता है कि या तो ये राइट साइड या तो फिर लेफ्ट साइड हमको देखने को मिल जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि बीच वाला एरिया पूरा कवर किए रहता है। ये किस वजह से होता है, अगर जैसे कि बच्चे की जो पोजिशनिंग होती है, बच्चे की अगर जो पोजिशनिंग है अगर इस तरह है, आप ये देख रहे हैं कि बच्चा क्या है, बच्चे की डिलीवरी होने वाली है, तो ये क्या है, ये पेल्विक बोन है। अब पेल्विक बोन में यहाँ पे है, दोनों तरफ से क्या हो रहा है प्रेशर पड़ रहा है। जब दोनों तरफ से बच्चे के सर पे प्रेशर पड़ता है, कैपुर ससरेनियम सभी बच्चों में देखने को नहीं मिलता है, किसी किसी में ये हमको देखने को मिलता है। अभी ये पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सब में देखने को मिलता है, किसी किसी में होता है। तो जब ये पेल्विक बोन का प्रेशर पड़ता है और यहाँ पे क्या हो रहा है मोल्डिंग होती है, साथ ही यहाँ पे एक और चीज हम देखते हैं, क्या देखते हैं क्राउनिंग देखते हैं, क्या देखते हैं क्राउनिंग, मतलब कि बच्चे के जो हेयर होते हैं वो हमको अपीयर होने लगते हैं, बच्चे की जो सर के बाल होते हैं हमको दिखने लगते हैं। जब बर्थ कैनाल से बच्चा बाहर आता है और उसका सर हमको दिखता है उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं क्राउनिंग बोलते हैं, और क्योंकि बाल दिखने लगते हैं, सर के बाल दिखते हैं। और उसी दौरान एपिजियोटमी वाले प्रोसीजर भी किया जाता है, अगर बर्थ कैनाल ससरी है, यहाँ पे रास्ता जो है वहाँ पे कम है, स्पेस कम है, तो फिर हम क्या करते हैं एपिजियोटमी करते हैं। और एपिजियोटमी क्या होती है इसके बारे में अगर आप कुछ जानना है तो इसके मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उसको देख सकते हैं। उस दौरान जो बच्चे की पोजीशन होती है, अगर मान लीजिए बच्चा राइट या फिर लेफ्ट जिधर की तरफ होगा, अगर ये बच्चा जैसे कि हमने ये राइट और लेफ्ट की बात की, तो अब बच्चे का फेस किधर की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, और राइट की तरफ उसका क्या है ऑक्सिपिटल वाला एरिया है। तो अब जैसे बच्चा डिलीवर हो रहा है तो जिस भी जगह पे प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, उसी हिस्से पे क्या होगा सूजन हो जाएगी। अब बच्चे का ये पूरा सर है, अगर बच्चे के एक साइड राइट या फिर लेफ्ट साइड हमको सूजन देखने को मिलती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, तब हम उसको बोलते हैं सिंगल कैपुट ससरेनियम, सिंगल कैपुट ससरेनियम, क्लियर हो गया। और अगर पूरे हेड में हमको देखने को मिलती है, मतलब कि पूरा हिस्सा अगर कवर किया है, अब जैसे बच्चे का ये सर है, अब यहाँ पे सिर्फ हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो फिर हम इसको बोलेंगे सिंगल कैपुट। लेकिन जब ये पूरे हिस्से में देखने को मिलेगा तब हम इसको क्या बोलेंगे, तब हम इसको बोलेंगे कैपुट, कैपुट ससरेनियम। तो ये हमको देखने को मिल गया। अब अगर हम बात करें कि ये किस वजह से होता है, क्या कारण है कि कैपुट ससरेनियम देखने को मिल जाता है, तो अगर हम काजेज की बात करें तो अगर प्रोलॉन्ग लेबर है, अगर प्रोलॉन्ग लेबर है, प्रोलॉन्ग लेबर का मतलब कि जो लेबर का समय है उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, 18 घंटे या फिर 18 घंटे से अधिक समय जब लगता है फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर को कंप्लीट होने में, तो उसको हम क्या बोलते हैं प्रोलॉन्ग लेबर बोलते हैं, मतलब कि बहुत ही लंबा समय लगता है। और अधिकतर जो प्राइमरी ग्रेविडा होती है, प्राइमरी ग्रेविडा का मतलब कि जो पहली बार जिन महिलाओं की डिलीवरी होती है उनमें ये समस्या देखने को मिल जाती है कि उनको जो दर्द होता है, दर्द के दौरान जो सर्विक्स का डायलेटेशन होता है, फर्स्ट स्टेज में सर्विक्स का डायलेटेशन होता है, टू लेबर से लेके सर्विक्स के डायलेटेशन तक का जो समय होता है वो फर्स्ट लेबर का होता है। फिर बच्चे की जो डिलीवरी होती है वो सेकेंड स्टेज लेबर होती है,
तो पहले से लेके दूसरे स्टेज तक में जो समय लगता है वो 18 घंटा या फिर 18 घंटा से अधिक लगता है, तो उसको हम किस में बोलते हैं, प्रोलॉन्ग लेबर में बोलते हैं। तो उस दौरान इतना ज्यादा दर्द महिला को होता है, इसकी वजह से बच्चे के हेड पे भी प्रेशर पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, ये गर्भाशय के अंदर बच्चा है, अब यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, जब कॉन्ट्रेक्शन होता है तो बच्चा नीचे की तरफ फंसकता है। जब जब महिला को दर्द होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है, तो यहाँ से प्रेशर लगता है और बच्चा नीचे की तरफ आता है। उस दौरान महिला भी अपना प्रेशर लगाती है और बच्चा भी अपना प्रेशर लगाता है, तो बच्चा नीचे आता है और जैसे ही कॉन्ट्रेक्शन खत्म हुआ फिर बच्चा उसी कंडीशन पहुंच जाता है। तो मतलब कि बाहर आने जाने वाला जो ये सिस्टम है इसमें काफी समय लग जाता है, क्योंकि सर्विक्स का डाइजेशन या तो अच्छा नहीं रहता या फिर ये जो पेल्विक बोन होती है ये इनमें पर्याप्त जगह नहीं रहता है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट पेल्विस। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट पेल्विस। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उसमें भी कैपुट सस्टेनियम हो जाता है, या फिर क्या होता है कि फोर्सेप डिलीवरी कब करवाते हैं? अगर जो बच्चे का हेड है वो बहुत बड़ा है, जैसे कि मैक्रोसोमिया की कंडीशन है। मैक्रोसोमिया का मतलब कि जो बच्चा होता है उसका वजन 4 kg या फिर 4 kg से अधिक होता है, तो उसको हम बोलते हैं मैक्रोसोमिया। तो जब मैक्रोसोमिया होता है तो बच्चे का हेड का साइज भी बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि बच्चा भी बड़ा रहता है, उसका वजन ज्यादा रहता है। तो फोर्सेप डिलीवरी हमको वहाँ पे मे बी कभी कभी जरूरत पड़ जाती है करवाने की। तो जब फोर्सेप डिलीवरी करते हैं तो यहाँ पे बच्चे के हेड पे हमको क्या करना पड़ता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम फोर्सेप इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो उससे हम पकड़ के बच्चे को बाहर निकालते हैं और वो बच्चे के दोनों साइड, हेड के दोनों साइड यहाँ पे लगाया जाता है, ऐसे लगाते हैं और फिर इसके बाद बच्चे को खींचना पड़ता है। तो उस दौरान दोनों तरफ से क्या हो रहा है, एक तो पेल्विक बोन है उनका प्रेशर ऑलरेडी बच्चे के हेड पे पड़ रहा था, दूसरा हम फोर्सेप डिलीवरी करवा रहे हैं, फोर्सेप के द्वारा बच्चे को बाहर निकाल रहे हैं, तो बच्चे के हेड पे क्या होता है, प्रेशर पड़ता है और इस वजह से भी बच्चे के हेड पे सूजन हो जाती है, स्कैल्प वाला एरिया सूज जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपुट सस्टेनियम बोलते हैं। या फिर क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होता है, किसी भी वजह से जो डिलीवरी है वो नहीं हो पा रही, या फिर प्री रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है। प्री रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाता है, मतलब कि जो पानी की थैली है अगर वो पहले ही फट जाती है, बच्चे के डिलीवर होने से पहले ही पानी की थैली फट जाती है, तो उसकी वजह से भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर पानी की थैली रहती है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि जब बच्चा नीचे आता है, इंगेज होता है, तो उसके दौरान क्या होता है कि बच्चे के सिर का ये वाला जो भाग होता है इसके आगे ही फोर बैग का फॉर्मेशन होता है। फोर बैग क्या होता है कि जो चारों तरफ बच्चे के पानी फ्लूड भरा रहता है, जिसको हम एनोटिक फ्लूड कहते हैं। तो जैसे ही बच्चा नीचे की तरफ आने लगता है तो ये जो चारों तरफ का पानी है इसमें का कुछ भाग जो होता है वो बच्चे के सर के ऊपर यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। किस वजह से इकट्ठा होता है, इसका एक नेचुरल है और बायोलॉजिकल भी इसका एक रीजन होता है कि जब बच्चा बाहर आता है, बर्थ कैनाल के दौरान आता है, तो जब ये फोर बैग का फॉर्मेशन होता है तो इसकी वजह से जो प्रेशर लगता है, ये जो बोन है, पेल्विक बोन है, इनके द्वारा जो प्रेशर लगता है ये डायरेक्ट फिर बच्चे के हेड पे नहीं लगता है, बल्कि चारों तरफ ये जो पानी भरा है, ये फोर बैग का जो फॉर्मेशन हो गया है बच्चे के सर के जस्ट ऊपर, इस पे प्रेशर लगता है और बच्चे का सर सुरक्षित रहता है। ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर पहले से ही ये बैग क्या हुआ, फट गया है, अगर ये बैग फट गया है तो फिर यहाँ पे किसी भी तरह का फोर बैग का फॉर्मेशन नहीं होता है और इस वजह से जो प्रेशर होता है वो डायरेक्ट बच्चे के सर पे पड़ता है। तो इस वजह से भी कैपुट सस्टेनियम वाली समस्या देखने को मिल जाती है अगर प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाती है, मतलब पानी की थैली पहले ही फट जाती है, या फिर अगर ओलिगोहाइड्रोमिनास होता है। ओलिगोहाइड्रोमिनास होता है मतलब कि जो पानी है वो पहले से ही कम है, गर्भाशय में जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो पहले से ही कम है, तो उसकी वजह से भी कैपुट सस्टेनियम में भी हो सकता है। या फिर अगर ब्रिज प्रेजेंटेशन है, या फिर शोल्डर प्रेजेंटेशन है, तो उन सब में भी कैपुट सस्टेनियम होने के रिस्क ज्यादा रहते हैं। लेकिन इसका सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि बच्चे पे किसी भी तरह का कोई हमको दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। बच्चे के नॉर्मल कंडीशन में हमको कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलती है कि बच्चे का कोई मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा या फिर उसको कोई फिजिकल डिसऑर्डर हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि ये अपने आप ठीक भी हो जाता है, लगभग 36 घंटे में अपने आप ये जो सूजन होती है ये डिजॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इसमें किसी भी तरह के ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप ठीक हो जाता है। और यहाँ पे हमने एक और चीज देखी थी जिसमें हमने देखा था सिफाइलोहेमाटोमा के बारे में। तो जो सिफाइलोहेमाटोमा है इसमें क्या, इसमें ब्लड कलेक्ट हो रहा है, बच्चे के सर में जो सूजन
हो रही है उसके अंदर फूड नहीं बल्कि क्या रहता है, ब्लड रहता है। तो ये भी नॉर्मली अपने आप ठीक हो जाता है और इसको ठीक होने में लगभग 6 से 8 सप्ताह का समय लगता है। 6 से 8 सप्ताह का समय इसको ठीक होने में लगता है। धीरे धीरे जो ब्लड होता है वो अपने आप डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पे ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ जाती है। तो आई होप कि ये जो सेशन है आपको समझ में आ गया होगा, जो हमने कैपोट सस्टेनियम के बारे में बात की, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैपोट सस्टेनियम हम किसे कहते हैं, किस वजह से होता है और ये किस तरह से ठीक हो जाता है, इसका क्या प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।